लैया से आपको बताएं, लैया में महकमा खुराक के अमला की मिली भगत या मुजरिमाना सुस्ती। लैया में आटे की किल्लत की वजह का रोहित ने पता लगा लिया। सरकारी सस्ता आटा शहरियों को मिलने के बजाय होटलों पर सप्लाई किया जाने लगा। रोहित ने खरल अजीम में सरकारी आटे को होटलों पर सप्लाई करने की वीडियो हासिल कर ली है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मिलों से दुकानों पर फरोख्त करने वाला आटा होटल पर उतारा जा रहा है। दुकानदार मिली भगत के जरिए सस्ते आटे को गरीब आवाम को देने के बजाय बड़े थैलों में बंद कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे जाहिद सरफराज। जाहिद, इस मुतालिक अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, लैया में आटा सस्ता आटे के हसूल के लिए गरीब आवाम जो है दर बदर फिरती नजर आती है। आटा जो है कहीं मौजूद होता है, कहीं मौजूद नहीं होता। आटे की जो सप्लाई की वजह है, कम सप्लाई की वजह, उसका रोहित ने आज पता लगा लिया कि वजह क्या पेश आ रही है कि क्या पर आटा जो है जिलाई के मुताबिक सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन आगे दुकानों पर आटा ना होने की वजह से गरीब आवाम जो है वो परेशान होती दिखाई देती है। इस वजह से आज जो है वीडियो मशहूर है जिसके अंदर देखा जा सकता है कि जो आटा है वो उस दुकानों पर सेल करने की बजाय गरीब आवाम को सेल करने की बजाय होटल पर जो बड़े बड़े होटल्स पर जो है उसको जिसमें फार्म के जरिए सप्लाई के जरिए, जबकि यही आटा जो है इसको जो 10 किलो के और 20 किलो के जो पैक है आटे के उसको बड़े थैले के अंदर बंद करके यही आटा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भेजा भी जा रहा है, जहाँ पर इसको ब्लैक में फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। इस वाले से अगर बात की तो जो शहरी हैं उनके सबसे शदीद रद्द अमल के सामने और शहरों का यही कहना है कि जिलाई इंतजामिया या महकमा फूड जो है उसके अंदर उसकी चेक इन बैलेंस उसका ना होने की वजह से जो सारे सूरतहाल माने जिस वजह से गरीब आवाम आटा हासिल नहीं कर पा रहे, जबकि जो बड़े बड़े होटल्स हैं वहाँ पर जो सस्ता आटा जो है जो जिसका सब्जी पर जो उसको जो आवाम को दिया जाना था होटल पर सफाई किया जा रहा है। इस वक्त शहरों ने मुतालबा किया कि महकमा खुराक की जो ऑफिसर जो उनके खिलाफ भी इस इलाके की इंक्वायरी की जाए कि वो भी क्या इस इलाके के अंदर मुलव से नहीं है, क्या वो आटा जो है कनिष्ठ तौर पर होटल को सप्लाई तो नहीं करवा रहे। इस वक्त जब हमारे दुकानदारों से बात हुई तो उनका भी इसे बताना था। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इस हवाले से एक्शन लिया जाए। शुक्रिया जाहिद सरफराज हमें अपडेट करने का।